हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। सीते, हमें विवश न करो। तुम्हें जाने की अनुमति देकर हम एक अन्याय की पुष्टि नहीं कर सकते। परंतु आप एक पतिव्रता स्त्री से अपने पति कुल की प्रतिष्ठा के लिए बलिदान का अधिकार भी नहीं छीन सकते। आपने उस दिन कहा था ना कि दो पुत्र होंगे जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने आपके दोनों पुत्रों का जातक संस्कार किया है। तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव। क्या अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया? अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, परं उनके सारे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। माताजी, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको भैया ने परास्त कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए। क्या महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे, परंतु वे ही युद्ध से आनाकानी कर रहे थे। उस पर तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे, मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? उस दिन आपने लक्ष्मण से कहा भी था, गंगा किनारे ऋषि आश्रमों में कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ आए। बस उसी आज्ञा अनुसार मैंने लक्ष्मण से कहलवा भेजा है कि रथ अभी ले आए, रात को निकल जाना ही उचित होगा। सीते, सीते हमें विवश न करो। तुम्हें जाने की अनुमति देकर हम एक अन्याय की पुष्टि नहीं कर सकते। परंतु आप एक पतिव्रता स्त्री से अपने पति कुल की प्रतिष्ठा के लिए बलिदान का अधिकार भी नहीं छीन सकते। बलिदान? हाँ, बलिदान। शास्त्र कहते हैं, त्यजेत एकम कुल्य सार्थे ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत। सो कुल के कल्याण के लिए व्यक्ति का बलिदान उचित है, अन्यथा इतिहास हम दोनों को कायर कहेगा कि जब महाबलिदान का समय आया तो राजमहलों के भोग विलास को त्याग न कर सके और अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़कर न्याय और अन्याय के तर्क का सहारा लेने लगे। और स्वामी, हम बिछुड़ कर भी तब भी अलग नहीं होंगे, हमारा नित्य मिलन है। जब कभी अकेले होंगे तो एक दूसरे से मन की बात कर लेंगे, एक दूसरे के मन के गीत सुन लेंगे।
सीते, इतने बड़े बलिदान को तुमने कितना सहज बनाकर कह दिया है, परंतु सोचो तो, इस अवस्था में तुम अकेली वन में निसहाय कैसे रह सकोगी? जब आपको अपनी सीता के बारे में ऐसी चिंता है, तो साधारण मनुष्य का स्त्री को अबला समझना न्याय संगत है। मैं यही प्रमाणित करना चाहती हूँ कि स्त्री अबला नहीं, शक्ति का रूप है, और सच्ची शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं, सच्ची शक्ति नैतिक चरित्र और धर्म में है, और यही धर्म और उसकी शक्ति मनुष्य की हर स्थान पर रक्षा करती है, चाहे वो नगर में हो या वन में। फिर वन में पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। देखा नहीं, ऋषियों के आश्रम के पास हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। सती स्त्री के धर्म में भी वही शक्ति है। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं इस अन्याय के विरुद्ध नारी को विद्रोह करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, परंतु इस विद्रोह में कौन से अस्त्र का प्रयोग किया जाए, यही सोचना है। यदि नारी भी पुरुष की भांति तीर तलवार का प्रयोग करे, तो संसार में मिठास और भावना कहां रह जाएगी? नारी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है त्याग, और दूसरा मंत्र है दूसरे को पीड़ा देने के स्थान पर स्वयं पीड़ा सहना। दोनों अमोघ अस्त्र है। पुरुष तलवार से अपने शत्रु को जीत तो लेता है, परंतु उसके मन पर अधिकार नहीं पा सकता, उसके घाव बाकी रह जाते हैं। स्त्री जब दूसरे का अत्याचार सहकर भी उसको बदले में प्रेम देती है, तो सामने वाला एक दिन हथियार डालकर उसे नमस्कार करता है। पुरुष केवल शरीर पर विजय पाता है, स्त्री मन को भी जीत लेती है। प्रजा हमारी संतान है, आज उन्होंने अपनी माता पर लांछन लगाया है। हम अपने बलिदान से उनके हृदय में पश्चाताप की ऐसी ज्वाला भड़का देंगे कि एक दिन वो नतमस्तक होकर आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। बस मैं आपसे एक ही वचन मांगती हूँ, मेरे पश्चात आप अपना संतुलन नहीं खोएंगे। यदि आंख भी भर आई, तो लोग आपको निर्बल कहेंगे कि स्त्री के वियोग में रोता है। फिर यह बलिदान वृथा हो जाएगा। लोग राजा को मानव नहीं मानते, एक महामानव मानते हैं। एक नायक का यही उत्तरदायित्व है कि जो लोग उसे प्रेरणा ले, उसे ध्यान में रखकर अपने दुख अपने अंदर ही डुबो ले। विधना तेरी लेखनी निष्ठुर निर्मम क्रूर, जो सपने हो नहीं दूर रहें
कर दिया उनको दूर। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कैसे हैं ये राजा रानी, कैसी इनकी करुण कहानी, ये पलकों पे रोक रहे हैं पीड़ा के सागर का पानी, ये सागर का पानी। एक दूजे से एक दूजे की पीर छुपाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। गुरजन परिजन महल अटारी छूटी जाए अयोध्या प्यारी, सारा नगर नींद में सोया क्या जाने किसने क्या खोया, नीरव निशी में धर्म के रथ पे जोगन चल दी कर्म के पथ पे, बिछड़ के भी ना टूट सके ये ऐसे नाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं।
पुत्री, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बैठे बैठे मन यूं ही अयोध्या पहुंच गया। यदि मन से बार बार अयोध्या ही भागना था तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? मन है बार बार उनके श्री चरणों में चला जाता है। पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है कि वो इधर से उधर भटकता रहे। मनुष्य यदि अपने मन के अधीन हो जाए तो मन उसे भी अपनी तरह इधर से उधर भटकाता रहता है। परंतु जिसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर इधर से उधर और उधर से इधर भटकने का समय ही कहां है? उसको तो केवल उसी एक मार्ग पर आगे जाना होता है जो उसे सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पुत्री, तुम एक लक्ष्य लेकर चली हो। तुमने पूर्वजों के सामने जो शपथ ली थी उसे याद करो। तुमने कहा था, मैं मिथिला नरेश, राजा जनक की पुत्री सीता, अपने महान पति अपने भगवान श्री राम के चरणों की शपथ लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं रहेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूं जिससे यह कलंकित नाम किसी की जिह्वा पर ना आए। मैं रघुकुल की भावी संतान को अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि वो आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे। और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। तुमने जिस संतान को उन पूर्वजों से भी बढ़कर प्रतापी और वीर बनाने का संकल्प लिया है, उस संतान पर क्या हर समय की उदासी या मन की भटकन के संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी इस मनस्थिति का क्या प्रभाव होगा तुम्हारी संतान पर? तुम्हें अपने मन में निराशा और उदासी को स्थान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक कर्मवीर मां की भांति अपनी संतान के भविष्य, अपने कुल के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचारों का एक ज्योतिर्मय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए जो सारे जीवन को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है वो मन के अधीन होकर नहीं चलते, मन को अपने अधीन करके आगे चलते हैं। तो पुत्री, मन के अश्व पर लगाम डालकर उसे अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलाओ। मुझे क्षमा करें भगवान, आपका उपदेश सत्य है परंतु राघव का वियोग असहनीय है। मुझे अपने से अधिक चिंता उनकी रहती है। मेरे सामने तो एक लक्ष्य है
परंतु उनके सामने तो सारे राजमहल में केवल अंधकार ही अंधकार है। पुत्री, जीवन राजमहल के अंतपुर में ही नहीं समाप्त हो जाता, जीवन बहुत विशाल है। एक राजा के लिए कार्य के क्षेत्र बहुत दूर तक फैले होते हैं। राघव कर्तव्यरत होकर संभल जाएंगे, परंतु यदि तुम नहीं संभलोगी तो वो भी नहीं संभलेंगे। दो प्रेमियों के बीच उनके मन की तरंगें एक अदृश्य रूप में एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। यदि तुम इसी प्रकार विरह और दुख की तरंगें भेजती रहोगी तो उन्हीं लहरों में डूबते रहेंगे। तुम्हें कर्तव्य परायणता, कर्मवीरता और आशा की ज्योति तरंगें उनकी ओर भेजनी चाहिए, तभी तुम उनकी सच्ची सहायता करोगी। पुत्री, इस विरह और निष्क्रियता के अंधकार से निकलो और एक ज्योतिर्मय उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में व्यस्त हो जाओ। यह मत भूलो कि एक महान बलिदान के पथ पर तुम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चली हो। ऐसा लगता है गुरुदेव, जैसे नदी की डोलती लहरों में से निकालकर मुझे स्थिर धरती पे खड़ा कर दिया। आपको शत शत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकूं। देवी भगवती की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। कैसी शिक्षा दे रहे हो सबको, प्राणी मात्र को सिखा रहे हो कि होनी को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और देखो पुत्री, तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो प्रभु की उदारता है, अपने सेवकों की बड़ी शोभा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुझ में जो शक्ति और दृढ़ता है वो उन्हीं की दी हुई है। फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेविका की प्रशंसा अवश्य करते हैं। आपने देखा गुरुदेव, उन्हें यह आभास अवश्य होगा कि मुझे माता सुनैना के लिए चिंता है। सो देखें, वो स्वयं ही मिथिला चले गए और जैसे आपने बताया, उन्होंने माता सुनैना की मन की वेदना को मिटाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। कितने कृपालु है प्रभु। सचमुच पुत्री, उन्हें सबका ध्यान रहता है, प्रभु सबका दुख दूर करते हैं। अपनी माता की ओर से तुम्हारी चिंता मिट गई, इससे मुझे बहुत शांति मिली है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो बड़ा शूरवीर होगा, इसलिए तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें केवल वीर पुरुषों की ही कथाएं सुननी चाहिए।
आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे पुत्र ही होगा। प्रभु की कैसी माया है कि हर माता को यह जानने की उत्सुकता होती है कि मेरे पुत्र होगा अथवा पुत्री। अवश्य पुत्र होगा। और दो पुत्र होंगे, जुड़वा। मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूँ। महर्षि चवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव, 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 वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव, वनदेवी ने दो पुत्रों का जन्म दिया है। ने उस दिन कहा था ना कि दो पुत्र होंगे जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? नहीं, कौतनी माँ ने कहा। अच्छा, कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और उसी समय दो सूर्यवंशी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया। सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहाँ नहीं हैं। गौतमी माँ ने प्रार्थना की है कि आपके आशीर्वाद से बालकों का जन्म बड़ी सुविधा से हो गया है। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है, तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारियां करो।
कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं, उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए, लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए, भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्ज्वल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें।
वंदेवी, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने आपके दोनों पुत्रों का जातक संस्कार किया है। राजकुमार ने जातक संस्कार किया है। हाँ वंदेवी, जातक संस्कार किया है। क्या अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ने। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव। अपने पुत्रों के शुभ लक्षण देखे तुमने? इनके जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या की राजपताकाएं फहरा रही थीं। आश्रम के द्वार पर अयोध्या की सेना भेरी नाद कर रही थी। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जाते हुए सेना सहित यहां रात भर के लिए रुक गए थे। इन बालकों की भांति वो भी सूर्यवंश के हैं, तो उस नाते इनके चाचा भी लगते हैं। सो उन्हीं की गोद में इनका जातक संस्कार संपन्न हुआ। कुमार शत्रुघ्न ने भेंट स्वरूप अपने गले के हार इन्हें पहनाए हैं, जिनमें अयोध्या के राज्य चिन्ह अंकित हैं। ये सारे शकुन यही कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। पुत्री, इन पुत्र रत्नों के जन्म पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। पूज्य पिता, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण मस्त। कैसी हो पुत्री? ठीक है। देखो मायावती, वन देवी के लिए 100 अजवाइन डाल के काढ़ा बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी। और पुत्री, मैं थोड़ा सा घी डालकर तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। चलो दूध गरम करो। और सुनो, बालकों का ध्यान रखना और वन देवी को अकेले नहीं छोड़ना। नहीं गौतमी माँ, हम यही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे बालकों को। कुश जैसे चंदा सूरज देख सिया फूली न समावे, बारंबार निहारत है मुख वर्णन होए न जो सुख पावे। लालन के तन पे रघुवंश के देख के चिन्ह अधिक हर शावे, नैनन माही
सुखाश्रु लिए चिर जीवे लला यही मात मनावे जीवे लला यही मात मनावे। अपने पिताश्री को नमस्कार कर। पुत्र का नमन स्वीकार करें। त्रिकाल दर्शी समस्त ज्ञाता जन्म पत्रिका बना रहे हैं जो ग्रह से वंचित हैं उनके किस ग्रह में कौन सा ग्रह बता रहे हैं। ललाट लेखा जो है देखा उसे भी मुनिवर दिखा रहे समझ न पाए सिया के गुरु क्या पहेलियां सी बुझा रहे। ये आप साधारण ज्योतिषियों की भांति क्या बता रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आपको सब पता होता है, आपने तो भविष्य का भी लिख रखा है। लिख रखा है परंतु उसे समय पर ही प्रकट होना चाहिए। फिर ज्योतिष की भविष्यवाणी का क्या लाभ? इतना ही कि मनुष्य में सामना करने का साहस रहता है। उसे पता हो कि इस अंधेरे के उस पार रोशनी है तो वो चलता रहता है। ये विश्वास बड़ा सहारा है। विश्वास की लाठी टेकता हुआ मानव आगे चलता रहता है, घबरा कर गिरता नहीं। यही विश्वास प्रभु की भक्ति में हो तो उसका भी यही लाभ है। पुत्री, जिन्हें प्रभु पर विश्वास है उन भक्तों को ज्योतिष की क्या आवश्यकता? उनकी रक्षा तो प्रभु स्वयं एक माँ की भांति करते रहते हैं। पलते हैं महलों के अधिकार
कुमारी वन में पलते हैं। जा रहे हो? छोटे भैया को भी साथ ले जा। देख, छोटा भैया तेरा खिलौना मांग रहा है, उसे दे दो। आओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। की सहायता करो, उखल में धान डालो। हाँ, ऐसे इस प्रकार उखल में धान कूटेंगे, फिर चावल निकलेंगे, खीर बनाएंगे। लवकुश दोनों खीर खाएंगे, खीर खाएंगे ना? हाँ। अरे अरे, इतना नहीं, फिर माँ कैसे कूटेगी? थोड़ा। हाँ, छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे? हाँ, बस अब बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ। अरे, कहा ना मैंने, अब जाओ बेटा, जाओ हाथी के साथ जाकर खेलो। अरे वो देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे, जाओ। अरे कुश, तू भी कच्चे चावल खाएगा तो फिर लव क्या करेगा? तू तो सियाना बेटा है ना, ऐसा नहीं कर। अब जाओ बेटा, जाओ हाथी के साथ जाकर खेलो। है
आजा बेटा आजा। हाँ अरे 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 आजा। हाँ अरे लव जीत गया। ओहो मेरा कुछ गिर गया। अच्छा अच्छा बेटा रोते नहीं। लव जाकर भैया को उठाओ, देखो वो रो रहा है। अमृत है वात्सल्य भरे अनुराग में, भाग से ममता का सुख आता भाग में। जीवन में रंग भरते अंधियारे सदा, सोना कुंदन होता तप कर आग में। लालन पालन में, लालन पालन में सिया के दिन रात निकलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। वायु जितनी तीव्र गति। हाँ माताजी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है, फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है। उससे भी तीव्र होती है मन की गति, उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माताजी मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ भगवान की, देखा भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। आप भगवान को जानती हैं क्या? आपको कैसे पता है? मुझे तो गुरुदेव ने बताया। हाँ गुरुदेव ने बताया होगा, वो भगवान को जानते हैं। वो कहते हैं आजकल भगवान धरती पर आए हुए हैं। अच्छा? हाँ माताजी, अयोध्या में श्री राम है ना, गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है रामायण, और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माताजी क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ तब तो वो आपको जानते होंगे। अवश्य जानते होंगे। हमें भी। समस्त प्राणियों में जब उन्हीं का वास है तो वो तो सभी के अंतर में वास करते हैं। मेरे अंदर भी वास करते हैं? हाँ। तब तो मैं भी भगवान हूँ। कुछ भैया मैं भगवान हूँ। परंतु कुछ भैया के अंतर में भी उन्हीं का वास है, सो कुछ भैया भी भगवान का रूप है। माताजी फिर दोनों में से बड़ा भगवान कौन है? बड़े भैया का बड़ा भगवान और छोटे भैया का छोटा भगवान। तो सदा मुझे ही प्रणाम करना पड़ेगा। अब ये सारा तर्क छोड़ो, मैं वन से लकड़ियां लाती हूँ, इतने में आप लोग थोड़ा व्यायाम करो और धनुष बाण का अभ्यास करो। आज मैं भी वन में लकड़ियां लेने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अच्छा चलो अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ।
क्या कर रहे हो? पेड़ से लकड़ी काट रहा हूँ। ऐसा नहीं करते बेटे, पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रहे हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। क्यों माता जी? देखो इनको कितना घाव लगा दिया। अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है, इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है, अब इनसे क्षमा मांगो। इन्हें कहो, वृक्ष भैया हमसे अनजाने में ही भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। वृक्ष को भैया कहूँ? हाँ, हम सब धरती माता की संतान हैं, इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। हाँ हाँ। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। हाँ हाँ। फिर ये वायु को शुद्ध करता है, पक्षियों और सर्प आदि को रहने का स्थान देता है। वो मनुष्य और दूसरे कई ऐसे जीवों का मित्र है, इसलिए वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। वृक्ष जी नमस्कार। क्षमा तो मांगी नहीं, वो नमस्कार नहीं स्वीकार करेंगे। वृक्ष भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माता जी देखो देखो, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। अरे पुत्री, इन छोटे छोटे हाथों से इतना काम क्यों करवाती हो? और स्वयं तुम्हें भी ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम में बहुत मुनि कुमारियां हैं। माता मैं क्षत्राणी हूँ, मुझे ब्राह्मण कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, उनसे सेवा करानी नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये भी क्षत्रिय पुत्र है, इनके शरीर में अभी से परिश्रम का अभ्यास डालना चाहिए। हे वन देवी, आपके रहस्य तो आप ही जानती हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण की बात तो आप ही को पता होगी। हम आपको देवी मानते हैं और आपकी आज्ञा पालन करना ही हम अपना धर्म समझती हैं। माता ये नया नाता कब से है? मेरा और आपका, माता और पुत्री का नाता बहुत पहले से निश्चित हो चुका है, उस नाते को ऐसे ही रहने दीजिए ना। वो नाता तो अमर है, उस नाते से भी तुम हमें अपना कुछ काम करने क्यों नहीं देती हो? उस नाते भी मुझे ही आपका काम करना चाहिए। वैसे भी गौतमी माँ, स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। तुमसे जीतना कठिन है पुत्री, अब जाओ, ये बेचारे लकड़ी उठाए थक गए होंगे और इनको भूख भी लगी होगी। नहीं नानी माँ, हम नहीं थकते, हमें भूख भी नहीं लगती। अच्छा, बड़े वीर हो ना। हाँ नानी माँ, हम बड़े वीर पुत्र हैं, हमारी माता जी कहती हैं हम बड़े वीर हैं। अच्छा अच्छा। जो सचमुच वीर होते हैं वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। माता जी अगर हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो फिर दूसरों को पता कैसे चलेगा? अपने कर्मों से। हाँ, हमारे कर्मों से। हाँ, तुम्हारे कर्मों से।
अब जाओ, चल कीर्ति बाला। आ जाओ लवकुश। अच्छा, पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माताजी। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई, तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं, उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राज महलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहां का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राज महलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही बनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राज महल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं, कहते समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यही तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है, आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है, इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई, आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा
कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी। कल्याण हो पुत्री। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्र कला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आ गया गुरुदेव। क्या बात है माता जी? आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा माता जी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजय का रेने सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो। जी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर दो नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है
कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माता जी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुछ भैया यह कहकर रोक देते। जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वह कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी है, वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन है, कहाँ है, उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ। परंतु माता जी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारे बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे इतने सहस्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माता जी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है। जी, आपके इस व्रत का अनुष्ठान कितने समय में पूर्ण होगा? तपस्या काल की सीमाओं में बांधकर नहीं की जाती। भक्त कैसे जान सकता है भगवान कितनी जल्दी अथवा कितनी देर में उसे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देंगे? भक्त का कर्म है तपस्या किए जाना और भगवान का काम है अपनी भक्त की लाज रखना। गुरुदेव कहते थे कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। अवश्य लेते हैं। भक्त सच्चा हो
तो फिर परीक्षा से क्या डर? जितनी चाहे परीक्षा ले ले। आपकी भी परीक्षा लेंगे? हो सकता है। माता जी, आपकी पूजा आरंभ कब होगी? वो तो गुरुदेव ही जाने। वो कह रहे थे कोई शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता जी, हमने बहुत सारे कमल पुष्पों के सरोवर देख लिए हैं। आप पूजा आरंभ कर दीजिए, हम कमल लाया करेंगे। अच्छा। तुम्हारी माता दीर्घ काल से जिस व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, उसकी समापन पूजा के लिए हमें स्वयं संगम पर जाना होगा। हमारी अनुपस्थिति में आचार्य देवगिरी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे। तुम दोनों परम वीर और तेजस्वी हो, इसलिए आश्रम की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, हमारे रहते आश्रम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिष्य संसार के बड़ी से बड़ी शक्तियों से न डरने वाले हैं न हारने वाले हैं। ये स्मरण रखना, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव, शिष्य तो सर्वदा अपने गुरु के बल पर ही लड़ता है, इसलिए हम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं? भगवान तुम्हें सर्वदा विजयी करें। कल्याणमस्तु। पुत्री, सुना तूने? लवकुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। क्या? अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, परं उनके सारे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। माता जी, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको भैया ने परास्त कर दिया। भरत, लक्ष्मण, इन सब के साथ तुमने युद्ध किया? क्यों, कैसे? छोड़िए ना इस बात को, एक छोटी सी लड़ाई थी, समाप्त हो गई। देखिए ना, हम आपके लिए कितने सारे कमल पुष्प लाए हैं, आपकी पूजा के लिए। यह अनुष्ठान आप जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, जिससे शीघ्र ही हमें हमारे पिताश्री के दर्शन हो सके। खुश, मेरी बात को मत टालो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया, क्यों किया? माता जी, मैंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास विचरते देखा। उसके माथे पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी थी कि जो इस घोड़े के सामने मस्तक नवाएगा वह महाराज राम की शरण पाएगा, और जो इसे पकड़ेगा उसे उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। सो युद्ध की चुनौती स्वीकार करना अपना क्षत्रिय धर्म समझकर मैंने उसे पकड़ लिया। फिर क्या, उनकी सेना, उनके सेनापति एक एक करके सबके सब ढेर हो गए। फिर शत्रुघ्न आए, उन्हें भी मैंने मूर्छित करके रण में ही सुला दिया। फिर लक्ष्मण जी आए, उनसे युद्ध हुआ। क्या ठंडा ठंडा सुना रहे हो कुछ भैया? माता जी, युद्ध नहीं हुआ, घमासान का युद्ध हुआ, और हमने उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर भरत जी आए और उनके साथ महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आए। हनुमान जी बड़े वीर कहलाते हैं, परंतु भैया की वीरता देखकर वे ऐसे चकाचौंध हो गए और हमारे पास में ऐसे बन गए जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा बन जाता है। नहीं। हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज ने एड़ी चोटी की शक्ति लगा ली, परंतु गुरुदेव के प्रदान किए हुए हमारे अस्त्रों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए। महाराज
राजराम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे, परंतु वे ही युद्ध से आनाकानी कर रहे थे। हमसे कहने लगे कि तुम दोनों को देखकर तुम पर बाण चलाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें प्यार करने की इच्छा होती है। परंतु मैंने उन्हें कहा, महाराज राम केवल बातें न कीजिए, युद्ध करिए युद्ध। परंतु जैसे युद्ध आरंभ होने लगा गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम लोग महान पाप से बच गए, महान पाप से बच गए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, माताजी, ये आपको क्या हो गया माताजी? तुमने आज वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसका तो प्रायश्चित भी कठिन है। हनुमान को तुमने बछड़े की भांति बांध दिया। हनुमान तो मेरा पहला पुत्र है, तुमसे भी बड़ा पुत्र। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये भी मेरे पुत्र ही है। तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी? उस पर तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे, मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? तुमने एक भी बार उन पर चिल्ला दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। कोई मार्ग नहीं रह जाता। ये क्या किया तुम लोगों ने, क्या किया? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं? हाँ पुत्र, देवी सीता सत्य कह रही हैं, महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। तो क्या आप ही वह अभागी सीता है जिन्हें महाराज राम ने वन में त्याग दिया था? जिसके पति श्री राम हो उसे अभाग्य नहीं कहते, मुझसे अधिक भाग्यवान और कौन होगा कि मैं उनकी पत्नी हूं जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। फिर ये बात आपने उनसे आज तक क्यों छिपाई? हर बात के प्रकट होने का उचित समय होता है। इससे पहले यह बात प्रकट हो जाती तो तुम्हारी माता के लिए कहीं भी सुख सुविधा से रहना असंभव हो जाता। हाँ,
अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अयोध्या वालों से ये प्रश्न पूछना होगा कि उन्होंने तुम्हारी माता के पवित्र आंचल पर निंदा के धब्बे क्यों लगाए। इसी दिन की मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें अयोध्या जाकर घर घर में सीता की करुण कथा सुनाकर अपनी माता के पवित्र आंचल पर लगे हुए धब्बे को अयोध्या वालों के अश्रुओं से धोना होगा। उनके मन पर लगे हुए मैल को मिटाकर उनके हृदयों में महारानी सीता का सिंहासन फिर से स्थापित करना होगा। प्रजा का मत बदलकर उसे अपनी माता के सामने नतमस्तक करना होगा जिससे उनके पाप का प्रायश्चित हो सके।